हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल डिजिटल लर्निंग। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, यूजेस ऑफ कंप्यूटर। और बेसिकली ये जो हमारा वीडियो है, ये इस चैप्टर का थर्ड पार्ट है। ठीक है, ये बेसिकली क्लास टू के लिए है, जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसा कि इसका नाम लिखा हुआ है, यूजेस ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, और आज हम लोग इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। बेसिकली यूजेस ऑफ कंप्यूटर क्या है। छोटे बच्चे जिनको कंप्यूटर के बारे में जस्ट अभी सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, दे हैव जस्ट स्टार्ट लर्निंग अबाउट कंप्यूटर, तो उन्हें ये जानना ज़रूरी है कि हमारा जो वीडियो है, हमारा जो कंप्यूटर है बेसिकली, वो क्या काम करता है। हम जो अभी यूज़ कर रहे हैं, एक तरह का मोबाइल है जो कि है तो कंप्यूटर ही। ठीक है, तो हम ये हम बताना चाह रहे हैं इसके माध्यम से कि हमारा जो कंप्यूटर है वो हमारे लिए कैसे कैसे यूज़फुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज़ जो हम देख रहे हैं यहाँ पे, बैंक। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हम जो हैं बैंक में कंप्यूटर को देखे हैं इस्तेमाल करते हुए लोगों को। ठीक है, कैसे इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में जानते हैं। जैसा कि इस पिक्चर में देखिए, आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है, एक आदमी जो है वो कंप्यूटर पे बैठा हुआ है और एक इंसान जो है वो विंडो से कुछ पूछ रहा है। वो क्या कर रहा है, इंक्वायरी कर रहा है। ठीक है, जैसा कि इसके ऊपर आप ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है यहाँ पे कैश काउंटर। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है बेसिकली पिक्चर में, कि एक आदमी जो है वो बैंक गया है और बैंक में जा करके पैसे कलेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, पैसा लेने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो अगर हम किसी भी तरह का कोई भी अपडेट चाहिए अकाउंट से रिलेटेड बैंक में, ठीक है, तो वो हम लोग को कहाँ से मिलता है, कंप्यूटर के थ्रू। तो डायरेक्ट हमें कंप्यूटर नहीं बताता है, वो हमें एक इंसान बैठा रहता है जो कंप्यूटर में देख करके बताता है। ठीक है, कि आपके अकाउंट में कितने पैसे हैं, नहीं है, ये अकाउंट किसके नाम से है, कहाँ का अकाउंट है, कितने पैसे हैं इसमें। ठीक है, आप कितना निकाल रहे हो, निकालने के बाद कितना अमाउंट बचेगा। ठीक है, चलिए और डिटेल में जानते हैं। इन अ बैंक अ कंप्यूटर हेल्प्स टू डू दीज थिंग्स। क्या क्या हेल्प करता है, सबसे पहला कीप रिकॉर्ड ऑफ कस्टमर्स। हम अगर बैंक जाते हैं, ठीक है, तो बैंक जाते हैं तो हम किस हक से जाते हैं, हम एक कस्टमर हैं, हम जो है बैंक में जा कर के अपना पैसा या तो रखेंगे या तो फिर निकालेंगे। तो हमारा डिटेल, हम जैसे बहुत से लोग बैंक में जा कर के आपको अपना पैसा रखते हैं या निकालते हैं। ठीक है, तो हम हो गए बैंक के लिए कस्टमर्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, कंप्यूटर कीप्स इंफॉर्मेशन अबाउट द मनी पीपल हैव इन बैंक्स। देखिए, जैसा कि हमने आपको बताया था, ठीक है, पहले भी, कि बैंक में क्या होता है, कि बैंक जो है किसके अकाउंट में कितना पैसा है, ठीक है, कब आया पैसा, किसने भेजा, कहाँ से भेजा, ये सारे डिटेल्स बैंक के पास अवेलेबल रहता है। और ये कहाँ स्टोर होता है, कंप्यूटर में। क्यों वो स्टोर होता है, चलो एक बात इसी बात पे मैं आपको बताता हूँ कि ये सारे के सारे कहाँ स्टोर होते हैं, उनके स्टोरेज में। ठीक है, इनके पास बहुत तरह का स्टोरेज डिवाइस है। ठीक है, हमारे जैसे कि हमने बहुत सारा सीखा होगा हार्ड डिस्क के बारे में, सुना होगा नाम हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, क्लाउड स्टोरेज। आज के समय में बहुत सारे डाटा को स्टोर करने के लिए हम लोग क्लाउड स्टोरेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसी तरह कंप्यूटर जो है वो हमारे डिटेल्स को स्टोर करता है। ठीक है, स्टोर करके रखता है हमारे मनी के डिटेल्स को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, कीप डिटेल्स ऑफ डिफरेंट अकाउंट्स एंड एटीएम। एटीएम वर्ड तो आपने सुना ही होगा, आपके मम्मी और पापा, भैया दीदी, हर किसी के पास एटीएम है आज के समय में। ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, एटीएम और अकाउंट्स का डिटेल्स, जैसे कि अकाउंट अगर हम कह रहे हैं हमारे पास एक एटीएम है, ठीक है, तो ये एटीएम किस बैंक का है, किस कस्टमर का है, उसका अकाउंट नंबर क्या है, उसमें कितने पैसे हैं, कब हमने पैसा निकाला, कब हमने पैसा डाला, ये सारा डिटेल्स हमारे बैंक में स्टोर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एटीएम। अगर हम एटीएम में जाते हैं, पैसे विड्रॉ करते हैं, तो जब पैसा विड्रॉ करते हैं, पैसा निकालते हैं या
हम निकालते हैं तो क्या होता है कि एटीएम हमें तुरंत एक मैसेज देता है कि आपके अकाउंट से इतना पैसा निकाला गया। ठीक है, अगर हम एटीएम गए, वहाँ से हमने कुछ पैसा निकाला, ठीक है, 5,000 रुपये मान लीजिए हमने निकाला, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो दिखाता है कि दिस मच ऑफ अमाउंट इज विड्रॉ फ्रॉम योर अकाउंट। नेक्स्ट है हमारा लाइब्रेरी, नाम तो सुना ही होगा, कहाँ पाया जाता, कहाँ मिलेगा ये हमें लाइब्रेरी, ये हमेशा आपको स्कूल में नज़र आता है। लाइब्रेरी में क्या होता है आपने देखा होगा ना, लाइब्रेरी में क्या रहता है, बुक्स रहते हैं, वहाँ हम लोग जा कर के पढ़ाई करते हैं, ठीक है। चलिए तो इसके बारे में जानते हैं, कंप्यूटर स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट द बुक्स है ना लाइब्रेरी। देखिए ये आपका लाइब्रेरी है, और ये जो मैम यहाँ पे दिख रही हैं पिक्चर में, ये हमारी क्या हो गई, लाइब्रेरियन, यही होती है जो हमें आपको बुक प्रोवाइड करवाती है। इनके पास भी हर एक स्टूडेंट का इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, कौन सा बुक आपने लिया, कब लिया, ठीक है, कब उसको आपको वापस करना है, ये सारे डिटेल आपको इनके पास होता है। तो इनके पास तो अपने माइंड में तो इतना कुछ कैलकुलेट सेव करके नहीं रख सकती, तो इन्होंने क्या किया, एक कंप्यूटर यूज़ किया। इस कंप्यूटर में क्या करती हैं, वो सारे बुक का डिटेल्स रखती हैं, ठीक है। चलिए इसके अलावा एक चीज़ और यहाँ पे रहता है, ठीक है, कि बुक्स का इंफॉर्मेशन हमारे पास, हमारी लाइब्रेरी में कौन कौन से बुक अवेलेबल हैं, वो कौन से सेल्फ में हैं, कौन से ड्रॉअर नंबर में रखा हुआ है, ये सारा इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में स्टोर होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन नाम तो सुना ही होगा आप लोगों ने, ठीक है, रेलवे स्टेशन पे क्या आती है, गाड़ियाँ आती हैं, जिससे हम लोग ट्रेन कहते हैं, है ना, जिससे हम लोग ट्रेवल करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग कैसे जाते हैं, हम लोग को क्या जाते ही सीट मिल जाता है, नहीं, हमें उनको बुक करना पड़ता है, ठीक है। तो हम लोग कैसे बुक करते हैं, कंप्यूटर के थ्रू बुक करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, फॉर हेल्पिंग अस नो व्हेन अ ट्रेन विल कम एंड व्हेन इट विल लीव। देखिए एक पॉइंट आता है यहाँ पे, बेसिकली अगर हम रेलवे की बात करते हैं तो, कि कौन सा ट्रेन कब आ रहा है, आएगा कितने बजे, आएगा और कितने बजे चली जाएगी, ठीक है, कितने बजे खुलेगी ट्रेन, इन सब का इंफॉर्मेशन हमें कंप्यूटर से मिल जाता है। आपने देखा होगा अपने मोबाइल में भी, आप सर्च करते हो, ठीक है, कौन सी ट्रेन अभी कहाँ पे है, कितने बजे आएगी, कितने सीट उसमें है अवेलेबल, ठीक है। फॉर मेकिंग चार्ट्स दैट शो आवर सीट एंड आवर सीट नंबर्स, जब हम सीट बुक करते हैं, ट्रेन टिकट बुक करते हैं, तो टिकट बुक करने से क्या होता है, हमें एक सीट मिलता है कि आप जब आओगे ट्रेन में चढ़ोगे तो आप इस पर्टिकुलर सीट पे आकर के बैठ सकते हो, वो सीट आपके लिए रजिस्टर्ड हो जाता है। तो ये सब कैसे करते हैं हम लोग, कंप्यूटर के थ्रू। कंप्यूटर क्या करता है कि हर एक सीट का उसके पास लिस्ट होता है कि कौन सा सीट, सीट नंबर किस कस्टमर को या किस पैसेंजर को अलॉट किया गया है, दिया गया है, ठीक है, और इसका एक चार्ट बनाती है, ठीक है। आपने ट्रेन में जाने से पहले देखा होगा कि ट्रेन के गेट के पास एक लिस्ट लगा रहता है, उसमें आपको हर एक सीट नंबर के साथ में उस पर बैठने वाले पैसेंजर का नाम लिखा रहता है। चलिए नेक्स्ट है हमारा एयरपोर्ट, देखा होगा हवाई जहाज जो उड़ता है, देखा है ना, हाँ। तो देखिए उसमें अगर हमको फ्लाइट से जाना है तो एयरपोर्ट में भी हमारा कंप्यूटर यूज़ होता है, वहाँ पे भी कौन सा फ्लाइट कब आएगा, कितने बजे उसका फ्लाई करने का टाइम है, ठीक है, उसके टिकट का डिटेल्स, उसमें कितने पैसेंजर्स जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे पूरा लाइन लगा हुआ है पैसेंजर्स के, ये सारे लोग क्या करते हैं, इन लोगों ने टिकट कटवाया है किसके लिए, फ्लाइट में ट्रेवल करने के लिए। ये देखिए आपको दिख रहा होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं, फॉर हेल्पिंग अस नो व्हेन अ फ्लाइट विल कम एंड व्हेन इट विल लीव। जैसा कि हमने बताया था ट्रेन में भी ऐसा ही होता है, ठीक है, कि कौन सा ट्रेन कब जा रहा है, कब आ रहा है, कितने बजे आएगा, क्या वो लेट है, अगर नहीं है तो टाइम क्या टाइम पे आएगा, अभी कौन से स्टेशन पे है, हमारे स्टेशन पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर गिविंग सीट नंबर व्हेन वी चेक इन। चेक इन का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं,
पहुंचते हैं एयरपोर्ट पे, वहां पे जा करके अपने सीट के लिए जब हम क्वेरी करते हैं, ठीक है, हम जब एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है, वहाँ पे चेक इन करवाया जाता है, ठीक है, आपके आपको जो है आपका सीट अलॉट किया जाता है कि आपका कौन सा सीट है, ठीक है, एंड दिस इज दैट्स ऑल फॉर टुडे, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू.